मुझे कोई हक नहीं है कि मैं निहार जी के मन के बिना इस रिश्ते में रहूं। एक बार उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, दोबारा मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। निहार जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जबरदस्ती की शादी में भी आपने ये रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की। मुझे पत्नी का पूरा सम्मान दिया उसके लिए। थैंक यू सो मच निहार जी। एक दिन शादी करके इसी जोड़े में मैं घर के अंदर आई थी, और आज शादी करके मैं इसी जोड़े में घर के बाहर जा रही हूँ। भाभी, ये जोड़ा मेरा है, लेकिन ये गहने आपके हैं जो आपने अमृता को दिया था, इसलिए जाने से पहले मैं आपको ये लौटा रही हूँ। बेटा, मुझे माफ करो बेटा, ये सब मेरी गलती है। नहीं पापा जी, मुझ पे ये पाप मत लगाइए। मेरे आगे हाथ जोड़ के मुझे गुनहगार मत बनाइए। मुझे आपके हाथों से सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। खुश खुश रहो बेटा। खुश रहो। कहीं नहीं जा रही हो तुम? एक बार निहार जी, सिर्फ एक बार मुझे जाने से रोक लीजिए। किस हक से रोकूं तुम्हें रुचिता, किस हक से? Thank you.
कोई हक नहीं है कि मैं निहार जी को इस रिश्ते में बिना मन के जोड़ के रखूं, इसलिए मैं यह घर छोड़ के जा रही हूं। रो क्यों रहा है निहार? तुझे तो खुश होना चाहिए, फाइनली रुचिता चली गई। यही चाहता था ना तू, फिर इतना बेचैन क्यों हो रहा है? मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल बेचैन नहीं। गुड, दैट्स लाइक निहार। अब चल जल्दी से अपना फोन निकाल और विक्की को कॉल कर, और पार्टी कर आज रात। इतने दिनों बाद तुझे आजादी मिली है, उसका फायदा उठा। जिस रुचिता से तू इतनी नफरत करता था, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, अच्छा हुआ ना अब उससे तेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। Shut up! Just shut up! खबरदार अगर रुचिता के बारे में एक शब्द भी बोला तो। क्यों? क्या गलत कह रहे हैं? रुचिता के लिए यही फीलिंग्स थी ना तेरी, फिर आज बुरा क्यों लग रहा है तुझे? कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया?